बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मायमा शकील एंड वेलकम टू माय चैनल मज़ेदार खाने। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक यूनिक एंड यमी रेसिपी। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एग चीज़ स्टिक, जो कि झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ गए हैं या आप बाहर से बहुत थके हुए आए हैं और खाना बनाने का आपका मूड नहीं हो रहा, तो आप ये बना के मेहमानों को खुश कर सकते हैं। सब हैरान रह जाएंगे और आपकी तारीफ करेंगे। अगर आपने चैनल मेरा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपीज आपको मिल सके। 1 कप मैदा है, हमने साथ लिए हैं 2 अंडे, हरा धनिया, आधी गड्डी, हरी प्याज का हरा हिस्सा और टमाटर के सीड्स रिमूव कर दिए हैं। मैदे में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और इसको थोड़ा सा पानी के साथ स्लरी बना लेंगे। पानी डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक करेंगे। ये देखिए, स्लरी फॉर्म में आ गया है। अब हमने एक बॉल के अंदर अंडा लेना है और उसके अंदर जो जो चीज़ें हम ऐड करेंगे वो है सिजलिंग डालेंगे, यानी कि हम 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च का डालेंगे इसके अंदर। साथ में हम डालेंगे जो वेजिटेबल्स हमने चॉप करके रखी है, उनमें हरा धनिया है, हरी प्याज है और टमाटर है। इसके अलावा भी अगर आप सब्जी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब हमने एक प्री हीटेड पैन को ग्रीस कर लिया हल्के से ऑयल के साथ और उसके अंदर हमने स्लरी जो हमने बनाई थी वो डाल दी है। और पैन हल्का सा गर्म होगा, बहुत तेज़ आंच पे नहीं रखना है। और ये जो हम बना रहे हैं ये भी हमने स्लो फ्लेम पर ही बनाना है। 2 से 2.5 मिनट लगेंगे इसको स्लो फ्लेम पे। एक तरफ से जब ये सिक जाए तो हमने इसको टर्न नहीं करना, बल्कि इसी तरह हमने उस पर अंडा जो फेटा था वो हम डाल देंगे और उसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। और अंडा डालने के बाद भी हमने इसको 1 से 1.5 मिनट रखना है। यहाँ पर ये जो स्टेज है इसको हमने इसी फॉलो करना है, वरना ही आपका अच्छा नहीं बनेगा। देखें, अंदर से कच्चा रहेगा और ऊपर से जल जाएगा। अभी देखें कलर कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आया है। और दूसरी तरफ जब हम टर्न करेंगे, अंडे वाली तरफ बहुत जल्दी सिक जाती है। अब हम इसको एक प्लेटर में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हमने चीज़ डाला। चीज़ हम अपनी पसंद से कोई सा भी चीज़ ले सकते हैं, क्वांटिटी भी अपनी पसंद से हमने रखनी है। अब हम स्टिक्स लेंगे और उसको इस तरीके से रोल करेंगे। आराम आराम से हम इसको रोल करेंगे। 1 कप मैदे के अंदर देखें 2 रोल हमारे रेडी हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम ऊपर डालेंगे पेपरिका पाउडर। ये हम कलर ब्रेकिंग के लिए डाल रहे हैं। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। साथ में हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और इसी के साथ हम इसके अंदर ऊपर ऐड करेंगे टोमेटो केचप। और लीजिए जनाब, हमारे मज़ेदार से एग चीज़ स्टिक रेडी हैं। ये लीजिए, हमारे गर्मा गर्म मज़ेदार से एग चीज़ स्टिक रेडी हो चुके हैं। इनको ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी इसका भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो थम्स अप दीजिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।